हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इसमें हम बात करेंगे कि हमारा घर कैसा है बेसिकली, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो 5.5 साल में यही रहना है। तो हॉस्टल की बात करेंगे। तो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये हमारे हॉस्टल की फ़ोटो है। यहाँ पर ये है ग्राउंड है, ये जिसे कि हम क्वाड्रेंगल बोलते हैं, एम्स क्वाड। यहाँ आप हॉस्टल देख रहे हैं, तो ये फोर्थ हॉस्टल है, फिफ्थ हॉस्टल है, ठीक है। तो ये मैंने ही फ़ोटो ली थी। तो अगर हम रूम्स की बात करेंगे तो एम्स उन गिने चुने कॉलेजेस में से है जो कि सिंगल रूम्स देते हैं हर एक स्टूडेंट को। और ये सिंगल रूम आपको एकदम स्टार्टिंग से मिल जाते हैं। अगर किसी को शुरुआत में डबल रूम मिलता है तो वो 1-2 महीने में चेंज करके सिंगल हो जाता है। तो आपको एकदम शुरुआत से सिंगल रूम मिलेगा जो कि 5.5 साल तक आपका अपना रूम रहने वाला है। तो उस रूम में का काफ़ी लार्ज इनफ साइज़ होता है। मेरा रूम तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इसमें आप जितना मॉडिफिकेशन जो भी कराना है, फ्लोरिंग करा लो, पेंटिंग करा लो, फॉल सीलिंग करा लो, और कुछ भी कराना चाहते हो, जो भी आपके मन में आए, जो कराना है वो करा लो, कोई आपको रोकेगा नहीं। उसके बाद कुछ भी इक्विपमेंट आपको रखना है, एसी लगाना है, माइक्रोवेव लाना है, इंडक्शन लाना है, हीटर लाना है, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ लगा सकते हो। और इसका बिल आपको नहीं देना होगा, है ना। बाकी अगर हम सैनिटेशन की बात करेंगे तो वॉशरूम्स ऐसा होता है कि एक जो विंग होती है उसमें 9 रूम्स होते हैं, और 9 रूम्स में 2 वॉशरूम्स होते हैं, तो वो शेयर करने होते हैं। तो आसानी से शेयर कर सकते हैं क्योंकि सब लोग की टाइमिंग अलग अलग होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वॉशरूम्स को और जो गैलरी होती है उसको साफ़ करने, रोज़ की सफाई होती है, और एक जो सफाई जो सुलभ वाले होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उनमें से एक हर एक को एक एक, एक फ्लोर असाइंड रहता है। तो एक बंदा एक फ्लोर पे हमेशा रहता है, तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम में कुछ फैल गया या फिर कुछ हो गया तो आप उसको बुला के सफाई करवा सकते हो। बाकी रूम्स की सफाई खुद करनी होती है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा रूम है, ठीक है। मैंने बस अपना ये फ्लोरिंग कराई हुई है, ये पानी वाला मुझे अच्छा लगा था बस। बाकी ये टेबल कॉलेज वाले खुद देते हैं आपको, एक बेड देंगे। अब यहाँ पर अलमारी भी रखी हुई है जो कि इसमें दिख नहीं रही है। ये एक रैक होगा, बुक रैक, बुक शेल्फ, जो भी आपको हो इसको, ठीक है। बाकी कलर ठीक ठीक था तो मैंने पेंटिंग कराने की ज़रूरत नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद रूल्स की बात करेंगे हम कि हॉस्टल के रूल्स क्या हैं। नन, कोई रूल्स नहीं है, नो रूल्स नो रेगुलेशंस। आप जब चाहो तब हॉस्टल के अंदर आओ, जब चाहो हॉस्टल से बाहर चले जाओ। 24/7 आप अंदर बाहर आ सकते हो। आपके पेरेंट्स अगर कभी आए तो पेरेंट्स को अपने घर में रख सकते हो, आपके फ्रेंड्स को रख सकते हो आप घर में, किसी को भी आप ला सकते हो अपने रूम पर, ठीक है। तो और आप किसी भी टाइम पर बाहर जा सकते हो, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। किसी के लिए भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई आपको कुछ भी करने से नहीं रोकेगा। अगर आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने चलाने हैं तो आप ज़ोर ज़ोर से गाने चला लो, मतलब प्रोवाइडेड दैट कि आप अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करो, है ना। अगर डिस्टर्ब करना है तो अच्छे से उसके रूम में जाओ और फिर डिस्टर्ब करो, ठीक है। तो जो करना चाहो आप हॉस्टल में वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा रिक्रिएशन की चीज़ों की बात करेंगे तो हर एक हॉस्टल में एक टीवी रूम होता है जिसमें कि टीवी रखा होता है। तो अगर किसी को क्रिकेट मैच देखने का शौक है, जैसे मैं कभी कभी देख लेता हूँ अगर कोई अच्छा मैच आ रहा होता है तो। उसके बाद एक जिम खाना के ऊपर एक बड़ा रेक रूम है, रेक्रिएशन रूम बोलते हैं उसको, रेक रूम। तो उसमें पार्टीज होती रहती हैं और प्रोग्राम्स होते रहते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स। बाकी एक एसयू रूम है जो कि स्टूडेंट्स यूनियन है, तो स्टूडेंट यूनियन के सारे जो अफेयर्स, जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो उसमें होती हैं। उसके बाद पेज टर्नर्स, ये पेज टर्नर्स नाम की एक मिनी लाइब्रेरी है जिसमें कि बहुत सारी नॉवल्स होती हैं, तो वहाँ से नॉवल्स लेके आराम से पढ़ सकते हैं। ये स्टूडेंट यूनियन रन करती है इस लाइब्रेरी को, ठीक है। उसके बाद अगर खेलने की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है जिसको कि हम एम्स क्वाड बोलते हैं, क्वाड्रेंगल। तो उसमें क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, उसके बाद बास्केटबॉल का अलग से कोर्ट है, एक टेनिस का अलग से कोर्ट है, स्क्वैश कोर्ट है, और ये सारे 24/7 खुले रहते हैं। कभी भी अगर आपका रात को 4 बजे मन कर रहा है कि यार टेनिस खेलना है, तो उठ के अपने दोस्त को ले जाओ, जाके खेलने लग जाओ। लाइट्स बहुत अच्छी लाइटिंग भी होती है तो आप रात भर खेल सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेबल टेनिस के लिए अलग से जगह है, 3 वुडन बैडमिंटन कोर्ट्स भी हैं। उसके बाद फुली इक्विप जिम है, उसमें सारी सारी मशीन है, सब कुछ है, और एक अच्छा स्विमिंग पूल है, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, एकदम सही है, जो कि 6 महीने के लिए खुलता है, ठीक है। तो इनकी लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग स्पेसिफिक होती है, जैसे कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को रात को 9 बजे तक होती है, मतलब 24/7 नहीं खुले होते, रात को ये बंद हो जाते हैं, बाकी ये हमेशा खुले रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एम्स स्क्वाड है, ये सॉरी मैं वॉलीबॉल मेंशन करना भूल गया, ये वॉलीबॉल के लिए ये कोर्ट है, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये बैडमिंटन के ये कोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्विमिंग पूल है, और ये सारी की सारी फ़ोटोज़ ये आदित्य गुप्ता ने ली हुई हैं। उसके बाद और क्या है हॉस्टल में, जनरल स्टोर है,
एक कैफेटेरिया है जो कि 24/7 खुला होता है, ये हमारे हॉस्टल के अंदर है, और हॉस्टल के थोड़ा सा बाहर जहाँ पर कॉलेज बिल्डिंग है, कॉलेज बिल्डिंग के अंदर एक और नया कैफेटेरिया खुला हुआ है, वो भी 24/7 खुला होता है। फोटोकॉपी शॉप है, जूस शॉप है, बारबर शॉप, टेलर शॉप, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मदर डेरी, लॉन्ड्री, सब कुछ है। मतलब आपको कुछ भी करने हैं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी सारी फैसिलिटीज़ हॉस्टल के अंदर ही मिलती हैं। उसके बाद अगर खाने की बात करेंगे तो तीन ऐसी मैस हैं जो कि कॉलेज रन मैस हैं। उनमें ऐसा होता है कि आपको डेली बेसिस पे आप जितना भी खाओगे उतने पैसे देने होते हैं। तो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता, जस्ट यू नो ठीक ठीक होता है कि आप पेट भरने के लिए खा सकते हो। बाकी क्योंकि उस खाने के साथ सब लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, करते नहीं हैं, तो स्टूडेंट्स की अपनी मैस होती है, कॉरपोरेट मैस, ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट्स खुद टेंडर दे देते हैं लोगों को, जो मैस वाले होते हैं तो वो जो भी पैसे होते हैं उनको देते रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी होती है, घर जैसा खाना होता है, एकदम कम स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो हमारे चार कॉर्पोरेट मैसेस हैं, तो कितने हैं, पांच बैचेस हैं, तो समथिंग अराउंड 300 लोग होते हैं, 300 लोगों पे चार मैस हैं, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो वही 80 समथिंग लोग हो जाते हैं। तो घर जैसा होता है, एकदम बहुत अच्छा खाना होता है, जैसा कि आपको अगर कुछ और चेंज कराना तो आप चेंज करवा सकते हो, काफ़ी सस्ता भी होता है। तो कॉर्पोरेट मैस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, सब लोग उसी को प्रेफर करते हैं। एक कैरलाइट्स की अलग मैस होती है, क्यों, तो उसमें नॉनवेज रोज़ रोज़ मिलता है ना, तो उनकी एक अलग से मैस होती है। उसके बाद अगर आपको फिर भी मैस का खाना नहीं खाना है, कभी बोर हो रहे हो, तो 24/7 आप एक मेट्रो सिटी में हो, दिल्ली में हो, तो 24/7 आप ऑनलाइन खाना मंगा सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन आउटलेट्स हैं जो कि आपको खाना ऑनलाइन भेज देते हैं, ठीक है। तो ये सारा खाने का है, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब और क्या चाहिए आपको। देखो स्विमिंग पूल है, जिम है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हर चीज़ है। तो हॉस्टल में आप सब कुछ कर सकते हो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और यू नो बेस्ट चीज़ क्या है कि आपका सिंगल रूम है, कि मैंने अब तक ज़िंदगी में किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं किया, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रूम शेयर नहीं करते हैं, तो आप रूम शेयर कर भी नहीं सकते यार, आप कैसे करोगे। देखो कि सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है, सबको किसी को कभी कुछ और करना है, किसी को बहुत ज़ोर से आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में गाना चलाना है, तो किसी को उस टाइम पर पढ़ाई करनी है, किसी को सोना है तो किसी को उस टाइम पर कुछ और करना है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब मेरे फ्रेंड्स से जो कि दूसरे कॉलेज में, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, उनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है, यार मेरा रूम पार्टनर ऐसा है, मेरा रूम पार्टनर ऐसा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है वो। तो सिंगल रूम होना यह सबसे बेस्ट चीज़ है, और फ्रीडम होना इज़ यू नो एन ऑसम थिंग। जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पल्स होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारा का सारा एम्स के अंदर ही होता है, तो हर चीज़ फ्री है, मीन्स यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आपको कोई यहाँ पर कैप्टिविटी में नहीं रखेगा, कोई जेल में नहीं रहेगा, कोई आपके ऊपर अपने रूल्स नहीं चला रहा होगा ना, जो आप करना चाहोगे वो आप कर सकते हो, जब बाहर जाना चाहो तब बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे तो अपना रूम बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा बिखरा हुआ है। ओके, थैंक यू।